नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज भी एक और स्टोरी लेके आया हूं। स्टोरी ये है, आप इमेजिन करो कि आप बहुत तेज भाग सकते हो, आपके अंदर शक्तियां आ गई हैं, फिजिक्स के कुछ तो भी कॉन्सेप्ट्स लगा के आप टाइम को रिवर्स कर सकते हो, आप टाइम में किसी भी मोमेंट पे कभी भी प्रेजेंट हो सकते हो। तो सबसे पहले चीज आप क्या करोगे? मैं एक बार जाके ना हल्का सा फ्यूचर देखाऊंगा, कुछ चेंज वेंज नहीं करूंगा, बट मैं जाके देखाऊंगा कि यार ऐसा ठीक है ना मामला, मतलब ऐसा होपलेस होने की जरूरत तो नहीं है ना। अभी वर्क मैं उसी डायरेक्शन में करता रहूंगा, फिर मैं भूल जाऊंगा उस चीज। ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग साउंड कर रही है। तो इसी तरह की एक कहानी है भाई, एक सुपर हीरो की कहानी है, फ्लैश। आपको पता ही होगा, जिन लोगों को पता है उनको पता है, डीसी सिनेमैटिक यूनिवर्स का एक सुपर हीरो है। उसकी नई मूवी आ रही है, नई मूवी अनाउंस हो गई है, तो वही उसी के ट्रेलर के बारे में बात करने आया हूं, और डीसी सिनेमैटिक यूनिवर्स में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं उसकी बात करने के लिए आया हूं, क्योंकि भाई जेम्स गन भाई साहब जो है उन्होंने कमान संभाल ली है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहले भाई वीडियो तो शुरू करना पड़ेगा ना बात करने से पहले। इन 3, 2, 1। तो देखो जनाब, फ्लैश यानी बैरी एलन इज अ वेरी पॉपुलर कैरेक्टर इन द डीसी सिनेमैटिक यूनिवर्स। मुझे ऐसा लगता है डीसी सिनेमैटिक यूनिवर्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर फ्लैश का ही है, क्योंकि जैसे ही फ्लैश पिक्चर में आता है, फ्लैश के पिक्चर में आने के बाद मल्टीवर्स वगैरह कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिए जाते हैं। अब मार्वल और डीसी का दोनों का काफी अलग या डिफरेंट तरीका है अपने अपने सिनेमैटिक यूनिवर्स में कैरेक्टर्स को दिखाने का, तो वही डिफरेंसेस को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने फ्लैश में अब मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट डाल दिया है। अब मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट में फ्लैश भाई बैरी एलन इस पिक्चर में कर क्या रहे हैं, इस पिक्चर में क्या कर रहे हैं, ये जा रहे हैं अपना पास्ट चेंज करने के लिए। तो पास्ट चेंज करने के चक्कर में काफी ज्यादा जंबल्ड अप टाइमलाइन क्रिएट कर दे, तो इन्होंने बहुत सारी चीजें चेंज कर दी हैं। तो उन्होंने एक ऐसा यूनिवर्स क्रिएट कर दिया जिसके अंदर कोई मेटा ह्यूमन ही नहीं है। अब इनको रिलाई करना पड़ेगा बैटमैन पे, जो कि इनको बचाएंगे, बट एक मेटा ह्यूमन जरूर है जो कि क्रिप्टोनियन है। तो क्रिप्टोनियंस यहां पे मेन विलन है, जिसमें से एक मेन विलन अपना जॉर्ड है, दूसरा क्रिप्टोनियन जो है वो विलन नहीं है, वो हीरोइन है, और वो है अपनी कारा सुपर गर्ल। सुपरमैन यानी हेनरी कैवल अब इसका हिस्सा नहीं होंगे, और इसमें दोनों बैटमैन दिखा रखे हैं। दोनों बैटमैन कौन से? पहले बैटमैन तो बेन एफ्लेक वाला बैटमैन, जो कि आई बिलीव पहले के कंपैरिजन में काफी ज्यादा हॉट लग रहा है इस वाली मूवी में। साथ में अपने क्लासिक द बैटमैन भी है इसके अंदर, इनका नाम है माइकल कीटन, और माइकल कीटन तो भाई बहुत सारे उड़ने वाले कैरेक्टर्स, ही हैज प्लेड द बर्डमैन, ही हैज प्लेड मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में उड़ने वाले विलन का रोल प्ले किया इन्होंने, और इसके अंदर भी ये उड़ने वाले बैटमैन ही है। तो मतलब अभी इसमें काफी ओल्ड हो चुके हैं, तो ही वांट्स टू रिवाइव दैट बैटमैन। तो मल्टीवर्स का बेसिकली जो पैरेलल टाइमलाइन या मल्टीवर्स का फायदा यही होता है कि आपके पास बहुत सारा स्कोप खुल जाता है, आप किसी भी कैरेक्टर को हटा सकते हो, किसी भी कैरेक्टर को डाल सकते हो। तो डीसी की ये कोशिश है आफ्टर जैक स्नाइडर यूनिवर्स का जो भी कॉन्सेप्ट था, जैक स्नाइडर का जो विजन था अबाउट डीसी सिनेमैटिक यूनिवर्स, जो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद था, हेनरी कैवल का सुपरमैन बहुत ज्यादा पसंद था, जस्टिस लीग जो जैक स्नाइडर ने निकाली थी वो बहुत ज्यादा पसंद थी, और बहुत ही हैपजर्ड चल रहा था डीसी सिनेमैटिक यूनिवर्स, बहुत सारे डिसएग्रीमेंट्स हो रहे थे। ब्लैक एडम बनने के बाद उसके अंदर सुपरमैन को इंट्रोड्यूस कर दिया, शज़ाम में सुपरमैन को टीज कर दिया, उसके बाद भी सुपरमैन की मूवी नहीं आ रही थी, और उसके बाद फाइनली डिसाइड किया गया कि सुपरमैन की मूवी नहीं ही आएगी, और हेनरी कैवल का कॉन्ट्रैक्ट वगैरह खत्म करके उसको टाटा बाय बाय बोल दिया, और उसके बाद कोई हेनरी कैवल कभी सुपरमैन प्ले करेगा ही नहीं। जैक स्नाइडर भी बाहर चले गए, जेम्स गन बन चुके हैं अब को CEO, वो उन्होंने डिसाइड कर लिया डीसी सिनेमैटिक यूनिवर्स का पूरा फ्यूचर उन्होंने डिसाइड कर लिया है। तो उस फ्यूचर के तहत ये पिक्चर भी उसी में से एक पिक्चर है, शज़ाम जो आने वाली है वो भी एक पिक्चर होगी, और एक्वामैन 2 भी इसी चीज पे बेस्ड होगी। और इसके बाद इन्होंने बहुत सारे मूवीज और टीवी शोज अनाउंस किए हैं, उनके कार्टूनी वगैरह उन्होंने बहुत लंबी चौड़ी वीडियो बनाई है, पूरा का पूरा स्लेट अनाउंस किया है, डीसी स्लेट बोल रहे हैं उस चीज को कि भाई हम ये सारी पिक्चरें रिलीज करने वाले हैं। तो उन्होंने पूरा प्लान तो बना दिया, वो कितना सक्सेसफुल होता है वो तो बाद में देखेंगे। कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है, तो इनकी कथनी और करनी में कुछ ज्यादा ही फर्क रहा है अभी तक डीसी की, अभी तो कुछ ऐसा हो नहीं पाया। मार्वल ऑन दी अदर हैंड जितनी भी शिटी मूवीज बना रहा हो, दे आर बीइंग कंसिस्टेंट विद देयर टाइमलाइन, एंड देयर जो प्रॉमिस कर रहे हैं वो डिलीवर कर रहे हैं, चाहे अच्छा हो बुरा हो वो अलग बात है। फ्लैश की बात करता हूं, फ्लैश में इन्होंने डायरेक्टली वो चेंजेस इतने ज्यादा विजिबल है, मेरे हिसाब से पर्सनली वो सारी चीजों को रिवील नहीं करना चाहिए था, बट फ्लैश की हाइप बनानी थी तो वो वैसे भी बन सकती थी। देव रिवील्ड एवरीथिंग, देव रिवील्ड बेन एफ्लेक का कैमियो, देव रिवील्ड माइकल कीटन का कैमियो, देव रिवील्ड सुपर गर्ल कारा का कैमियो, कैमियो भी नहीं है वो, मतलब मेन कैरेक्टर ही होगी। देव रिवील्ड फ्लैश, दो फ्लैश होंगे, दो बैरी एलन होंगे, अर्ज़ा मिलर जो उनका रोल प्ले कर रहे हैं वो है। देव रिवील्ड इसका पूरा स्टोरी कि इनकी मदर जिस यूनिवर्स में है उस यूनिवर्स को वो सेफ रखना चाहते हैं, और वो एटसेट्रा एटसेट्रा, मतलब देव रिवील्ड रिवर्स फ्लैश का
कॉन्सेप्ट, देव रिवील्ड बहुत सारी चीजें यार, देव रिवील्ड काफी कुछ जो कि मेरे हिसाब से काफी सीक्रेट रखा जा सकता था एक अच्छे से वेल कट ट्रेलर में। मेरे को इतनी खराब चीजें मतलब इसके अंदर, देखो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ माइकल कीटन बैटमैन को देखने के लिए, उनका ओरिजिनल सूट उन्होंने रखा हुआ है, फ्लैश भी बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब फ्लैश मैं पता है क्या चीज सोच रहा था कि फ्लैश की ना ये जो ट्रेपीजियस मसल्स वगैरह ये बहुत ज्यादा ऐसे स्ट्रांग है, मेरे को ऐसा लगा कि इन्होंने बहुत ज्यादा सोच के बनाया हुआ कि यार फ्लैश कितना तेज भागता है, तो भागता है तो उसको इनर्शिया की वजह से उसकी गर्दन पीछे जाती होगी ना, तो उसको बहुत ज्यादा स्ट्रांग ट्रेपीजियस वगैरह मसल्स और नेक वाली मसल्स बहुत स्ट्रांग चाहिए फ्लैश को, ताकि वो अपनी गर्दन को कंट्रोल कर सके, होल्ड कर सके, जब भी वो किसी को लेके भागता है तो उसकी गर्दन पकड़ के भागता है ताकि उसको सर्वाइकल स्पाइन इंजरी ना हो जाए। ये वाला जो एर्ज़ा मिलर वाला फ्लैश का जो सूट है उसका ऐसे थोड़ा सा ऊपर तक है ट्रेपीजियस, बड़ी जबरदस्त ट्रेपीजियस बना रखी है उसकी। जो खराब चीजें मेरे को लगी ना वो सीजी था यार। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 3 का भी ट्रेलर देखा जिसके और सरप्राइजिंगली डायरेक्टर जेम्स गन थे फर्स्ट और सेकंड पार्ट के, आई थिंक थर्ड पार्ट के भी वही होंगे, बट ही इज जंप्ड फ्रॉम मार्वल टू डीसी। मार्वल का जो सीजीआई गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी 3 के ट्रेलर में मैंने नोटिस किया कई गुना अच्छा है एज कम्पेयर टू डीसी का सीजी, और व्हेन यू वॉच इट व्हेन यू सी इट अब वो सुपर गर्ल कारा का वो जो कैमियो है जिसमें वो बुलेट को रोक के उसको पंच करके मार के दूर फेंकती है विलन को माइकल कीटन के बैटमैन के आगे बैठ के, तो मतलब वो इतना नकली लग रहा है, ट्रस्ट मी ऑन दिस, इट फेल्ट लाइक द लास्ट ऑफ अस के मैंने बहुत सारे वो देखे हैं गेम प्लेस, तो वो किसी कंप्यूटर गेम जैसा लग रहा है, और कंप्यूटर गेम से मुझे याद आया कि यार ये डीसी सिनेमैटिक यूनिवर्स अब ऐसा होगा कि गेम्स मूवीज और टीवी शोज ये सब आपस में लिंक्ड होंगे, डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स का पार्ट होंगे, और जो जोकर जैसी पिक्चरें हैं या स्टैंड अलोन फिल्म्स जो बनने वाली हैं वो सारी सेपरेट फिल्म्स होंगी, दे विल बी कंसीडर्ड डीसी एल्सवेयर यूनिवर्स। प्लान तो बहुत अच्छा है बट मुझे एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम लग रही है, जैसे ही एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, बाकी जैसे जैसे चीजें बनती जाएंगी, इन्फिनिटी वॉर्स भी इसी वजह से हिट हुई थी यार, मतलब बन गई थी ना वो, जब फाइनल प्रोडक्ट जब रेडी होकर आपके सामने आता है और आपको दिखने को देखने को मिलता है तब आप उसको अप्रिशिएट कर पाते हो। बातों में तो मैं 50 चीजें बोल लूं कि अगले 10 साल में यूट्यूब चैनल पे 50 मिलियन सब्सक्राइबर्स होंगे, सच होता है क्या? और अगर हो गया तो मजे नहीं आ जाएंगे, और उस जर्नी का पार्ट आप नहीं बनना चाहते हो, जरा सब्सक्राइब कर दो ना। ये था जी वीडियो हमारा फ्लैश का वीडियो, आगे और मूवीज की बात करेंगे, आती रहेंगे। आंटमैन आने वाली है, कल देखने जाऊंगा तो उसका रिव्यू बना दूंगा, बात करते रहेंगे मूवीज की। इसके साथ करते हैं इस वीडियो खत्म, ख्याल रखो अपना, ख्याल रखो अपने परिवार वालों का। मैं पर्सनली सच में एक्साइटेड हूँ फ्लैश के लिए, क्योंकि आई रियली लाइक मल्टीवर्स, टाइम ट्रैवल, सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत ज्यादा ओपन स्कोप होते हैं। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। आपके क्या थॉट्स हैं इस मूवी के बारे में नीचे कॉमेंट्स में बताओ। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, सी इन द नेक्स्ट, पीस।